हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आज हम करेंगे डिस्कस सीटेट पेपर 2014 के, जो कि सितंबर महीने में हुआ था। हम सब्जेक्ट जो करेंगे वो होगा SST। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बैरोमीटर इज यूज टू, जो बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मेजर टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दबाव मापने के लिए। या ऑप्शन नंबर सी, मेजर सी लेवल, समुद्र तल को मापने के लिए। या मेजर रेनफॉल, वर्षा का मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो वायुमंडल का, जो हवा का दबाव होता है, उसे मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल? इनमें से जो गैसेस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी है जो इको फ्रेंडली है? ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट LPG है, PNG, LPG, KG6 या CNG। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा CNG। ये जो गैस होती है, ये गैस सबसे कम कार्बन छोड़ती है। ठीक है, इसलिए ये गैस इको फ्रेंडली है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा CNG। क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विद रिगार्ड्स टू फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गवर्नमेंट इम्पोजेज बैन ऑन ग्रेन्स एक्सपोर्ट फ्रॉम मेंटेनिंग सफिशियंट स्टॉक, कि पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट एनकरेजेस टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड फॉर बेटर एंड सिक्योर हेल्थ, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि बेहतर, सरकार बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, कि आप जो जैविक खाद्य होती है, जैविक खाद से बने जो फूड होते हैं उसमें केमिकल नहीं होता बिल्कुल भी, और उसमें जो प्रोटीन या फिर हमें कार्बोहाइड्रेट कुछ भी मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। पर जो दूसरी होती हैं, जो हमें फर्टिलाइजर्स या उर्वरों का इस्तेमाल करके जो फसलें उगाते हैं, उसमें बहुत ही कम हमें फायदा होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्या? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल द टाइम हैव एक्सेस टू सफिशेंट, सेफ एंड न्यूट्रियस फूड। वी खाद्य सुरक्षा मौजूद है जब सभी लोग हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन गवर्नमेंट मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि जब खाद्य सुरक्षा मौजूद है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज बफर स्टॉक में बना के रखती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है कि उस देश में सभी के पास पर्याप्त खाना हो हर समय, जब उनको कमी ना हो। कौन सा खाना हो? ऑप्शन नंबर सी है, खाद्य सुरक्षा मौजूद हो जब सभी लोग हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक ही पहुंच रखते हों, कि उनको खाने की कमी ना हो, उसे हम खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। विच इंडस्ट्रीज इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न स्टडीज? किस इंडस्ट्रीज या उद्योगों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो देखते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, स्टील या पेट्रोलियम। ऊर्जा, परिवहन, स्टील या पेट्रोलियम। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्टील। स्टील को बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टील है जो हम कोई भी मशीन बनाते हैं उसके लिए स्टील की ज़रूरत है, आयरन एंड स्टील की। अगर हमने पेट्रोलियम निकालना है तो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बनाने के लिए भी हमें स्टील का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, बसेज हो गई, कार्स हो गई, इनमें सभी का स्टील का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्टील, क्योंकि स्टील ही हर चीज़ में काम आती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टील। ये क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। गंपास इज फाउंड इन लद्दाख आर, जो गंपास है वो लद्दाख में पाए जाते हैं। और वो हैं क्या, पहले तो आपको ये बताना होगा कि लद्दाख है कहाँ पर। ठीक है, लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख है। और इसको हम लद्दाख है क्या, ये कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडी रेत,
ठंडा मरुस्थल है। और इसमें लद्दाख में क्या पाए जाते हैं? वैरायटी ऑफ गॉड्स, वैरायटी ऑफ शॉल, बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टेम्पल, बकरी की विविधता, शॉल की विविधता, बौद्ध भिक्षु व बौद्ध मठ या मंदिर। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मठ या मंदिर। सबसे ज़्यादा सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं, गंपास जो पाए जाते हैं लद्दाख में ये कहाँ पर पाए, ये है क्या है, ये हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। 100 से ज़्यादा वहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच कॉन्टिनेंट इज लीस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड? इसमें से ऐसा कौन सा पॉपुलेशन है सॉरी कॉन्टिनेंट है जो सबसे कम आबादी वाला है, कम आबादी वाला जो है महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ही है जहाँ पर सबसे कम आबादी है, सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम पॉपुलेशन है। और आपको एक और बात यहाँ पर जानने को मिलेगी, अफ्रीका है, अफ्रीका एक अकेला महाद्वीप है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखा इस अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ठीक है, इसका ये उत्तर होगा, इसका उत्तर तो ऑस्ट्रेलिया है। मैंने आपको ये एडिशनल नॉलेज दी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो इसका क्या होगा फिर उत्तर? अफ्रीका होगा। इसमें इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द, जो कोलकाता पोर्ट है वो कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल, रिवर हुगली पर, रिवर भागीरथी या गंगा सागर? तो उसका जो सही उत्तर है वो है बे ऑफ बंगाल, सॉरी नहीं, रिवर हुगली, हुगली पर स्थित है रिवर हुगली, हुगली नदी के किनारे जो है ये कोलकाता पोर्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोजिशन ऑफ अर्थ इज ट्रू? इनमें से हमने स्टेटमेंट देखनी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो अर्थ के रिगार्डिंग वो सही है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज डेफिनेट लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 23 एंड हाफ विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजरी लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 23 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑप्शन नंबर डी, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अ डेफिनेट लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो उसका सही उत्तर कौन सा होगा? पृथ्वी की धुरी एक निश्चित रेखा है जो अपने कक्षीय तल के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय समतल के साथ 65.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री कोण बनाती है, इसके कक्षीय समतल को जोड़ती है। पृथ्वी की धुरी एक निश्चित रेखा है जो अपने कक्षीय समतल के साथ 65.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सिस ऑफ द अर्थ इमेजिनरी लाइन है वो 66.5 डिग्री का, इन्होंने ऑर्बिटल प्लेन की बात की है कि इसका जो ऑर्बिटल प्लेन है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो मैंने कल ही एक एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की हुई है, उसमें मैंने ये सारा चैप्टर समझाया हुआ है, आप वो जरूर देखें एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेदा वाज ओरिजिनली कंपोज इन, कि जो ऋग्वेदा था वो मूल रूप से रचना की गई थी किसमें? संस्कृत में, ब्राह्मी, शौरसेनी या प्राकृति? इसका जो सही उत्तर है वो है संस्कृत। ऋग्वेदा वाज ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10। भारत वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल मैंशन्ड इन द ऋग्वेदा दे लिव्ड इन, जो भारत थे ऋग्वेदा में वर्णित कुछ एक लोगों का समूह था वो कहाँ रहा करते थे? वो नॉर्थ इंडिया में रहा करते थे, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया या साउथ इंडिया? पश्चिम भारत में, पश्चिम उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में या दक्षिण भारत में? तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो भारत समूह के जो लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट भारत में रहते थे, उत्तर पश्चिम भारत में रहा करते थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 11। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज यील्ड, वी उपज बढ़ाने के लिए अनुवंशिक संशोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेचुरल मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, किसमें?
प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ओनली प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हैज़ बीन अलाउड इन इंडिया, कि सिर्फ केवल भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज टू इंक्रीज यील्ड, ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेचुरल मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज। इसमें सिर्फ प्राकृतिक रूप से जो जैसे कि गोबर की खाद बनाई जाती है, या हमारे घर में जो फल फ्रूट्स आते हैं वो सड़ जाते हैं, हम उसको एक कहीं रख देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे खाद बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो सब है प्राकृतिक खाद, और ये कीटनाशक भी प्राकृतिक यूज़ करेंगे जिसके कारण उसमें केमिकल्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो उसे हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज पीरियड नोन एज मगध इन एशियंट पीरियड, कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं, बिटवीन गंगा एंड यमुना, नॉर्थ गंगा, बिटवीन यमुना एंड चंबल, साउथ ऑफ गंगा, गंगा और यमुना के बीच में, उत्तर गंगा, यमुना और चंबल के बीच में, या दक्षिण गंगा का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साउथ ऑफ गंगा। साउथ ऑफ गंगा वाला जो पार्ट था उसे मगध के नाम से जाना जाता था एशियंट टाइम में, दक्षिण के गंगा के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन सम एरियाज पीपल स्टार्ट लिविंग इन विलेज अबाउट 8000 ईयर्स अगो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग दिस एरियाज, कि इन लोग लगभग 8000 साल पहले लोग इस गांव में रहा करते थे, इनमें से कौन सा क्षेत्र है उसका नाम बताना है। सुलमान एंड किर्थर हिल्स, गंगा एंड यमुना दुआब, डक्कन एंड कोंकण एरियाज अराउंड नर्मदा। सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ, गंगा और यमुना के दुआब, डेक्कन और कोंकण, या नर्मदा के आसपास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुलेमान और किर्थर हिल्स। सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों के आसपास लोग रहा करते थे, यहाँ पर लोगों ने फसलें उगाना शुरू कर दिया था, तो फिर इसलिए 8000 साल पहले ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी हड़प्पा वाली साइट नहीं है। सोतका को, गांवेरी वाला, चिरांद, या राखीगढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, वो होगा चिरांद। जो चिरांद जगह है वो कौन सी है, हड़प्पा साइट नहीं है, चिरांद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, सबसे लंबा पीरियड है हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में, वो कौन सा है, मानव इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा है। मेगालिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक एज, या पैलोलिथिक एज। मेगालिथिक आयु, मेसोलिथिक आयु, नवपाषाण, या पुरापाषाण। तो ये है पैलियोलिथिक साइट, इसे ओल्ड ओल्ड रॉक एज भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण युग क्या है, सबसे पुराना और लंबा, सॉरी, सबसे लंबा युग है ये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एंशियंट रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन, जो एंशियंट रॉक पेंटिंग्स है वो कहाँ पाई जाती हैं, प्राचीन रॉक पेंटिंग कहाँ पाई जाती हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या कर्नाटका या तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में क्या पाई जाती हैं, एशियंट रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। सी पर टिक करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर हंटर गैदरर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, निम्नलिखित में से कौन सा शिकारी जानवरों को के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था। कि जो शिकारी हुआ करते थे वो तो हमें पता है कि एक स्थान से दूसरे जगह जाया करते थे, तो उनमें से हमें कारण बताना है कि ऐसा कारण कौन सा नहीं है जो जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे जगह जाया करते थे। टू फॉलो मूवमेंट ऑफ एनिमल विच दे हंटेड, कि वो जानवरों के आंदोलन, आंदोलन नहीं आएगा यहाँ पर, कि जो जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे उनका पीछा करने के लिए जाया करते थे वो। टू फाइट फॉर रिसोर्सेज विद अनदर ग्रुप ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स, कि शिकारी के अन्य समूह के साथ संसाधनों के लिए लड़ने जाया करते थे। टू सर्च फॉर वाटर रिसोर्सेज, कि वो जल संसाधनों के खोज में जाया करते थे। स्टिंग एट वन प्लेस, वो डिप्लेट रिसोर्सेज, कि एक जगह पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाया करती थी। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी वहाँ पर कि वो दूसरे किसी और कबीले से या और किसी ग्रुप से
जो लड़ने जाया करते थे, किसी और समूह से लड़ने जाया करते थे। वो या तो उनको कमी हो जाती थी खाने की तो वो दूसरी जगह चले जाया करते थे, कभी कभार वो जानवरों का पीछा करते करते वहाँ से जानवर सारे ख़त्म हो जाया करते थे तो वो किसी और जगह चला जाया करते थे कि वहाँ हम, क्योंकि वो खाते तो मांस ही थे, तब कौन सा उन्होंने फसलें उगानी शुरू कर दी थी। तो बाद में टू सर्च फॉर वाटर सोर्सेज, कि वो पानी पानी की तलाश में जाया करते थे दूसरी जगह पर, या फिर वो स्टेइंग एट वन प्लेस, कि जब एक स्थान पर रहने से वहाँ के सारे संसाधन जब खत्म हो जाया करते थे तो फिर वो दूसरी जगह चले जाया करते थे। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पुरु, यादु और भारता, ये वेदास में मेंशन किया गया है, ये क्या है? राष्ट्रास, राजंस, दसियुस या जनस? तो इसका जो सही उत्तर है वो जनस है, जनस इज द राइट आंसर। ये वेदा में मेंशन किया हुआ है, वेदों में पुरु यदु और भारत भरत का उल्लेख मिलता है, ये क्या है? ये जनस। क्वेश्चन नंबर 19, द डायग्राम रिप्रेजेंटेस, कि जो डायग्राम ये दिखा रही है हमें, इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये देखिए, एक तो ये कोल्ड एयर यहाँ से आ रही है, कोल्ड एयर इधर से आ रही है, इधर से एक वार्म एयर आ रही है ना, ये जब दोनों टकरा रही हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो रही है, ये वर्षा हो रही है, ये ऊपर बादल्स हैं, क्लाउड्स हैं ना, ये क्लाउड्स हैं, जब ये दोनों टकरा रही हैं तो वर्षा हो रही है। तो हमने ये बताना है कि ये कौन सी वर्षा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, प्री मानसून रेनफॉल या ऑरोग्राफिक रेनफॉल? तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, कन्वेंशनल रेनफॉल, चक्रवाती रेनफॉल, पूर्व मानसूनी वर्षा या ऑरोग्राफिक वर्षा? तो उसका जो सही उत्तर है वो साइक्लोनिक है। हमने पहली क्लास में भी ये पढ़ा था कि ये जब दो दो साइक्लोन्स होंगे, दो चक्रवात होंगे, दो अलग अलग तापमान वाली हवाएं होंगी, जब वो आपस में टकराएंगी तो वर्षा करेंगी, उस टाइप की वर्षा को, उस किस्म की वर्षा को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट, कि हमने इनमें से बतानी है ऑप्शन कि कौन सी डेजर्ट की, रेगिस्तान की उदाहरण है। देखते हैं सुंदरबन, कोंकण, वेस्टर्न घाट्स और लद्दाख। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने पहले दो चार क्वेश्चन में शायद ये पढ़ा था, मैंने बताया भी था लद्दाख क्या है, लद्दाख मैंने क्या बताया था, ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, जो कि जे एंड के में है, जम्मू कश्मीर में कोल्ड डेजर्ट है। तो ये लद्दाख, इसका जो सही उत्तर होगा लद्दाख है, इसका सही उत्तर लद्दाख है। तो चलिए हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आपको अगर कोई फीडबैक देना हो या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।